नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सबका ऑल इंडिया न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं खेतों में यहाँ अपने किसान भाइयों के पास, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो पानी दिया जा रहा है मोटर के द्वारा, ये यहाँ से जा रहा है दोस्तों, और आगे जहाँ ये पानी निकल रहा है दोस्तों इस तरह से ये मोटर में से पानी जा रहा है पाइप के थ्रू। ये देखिए पानी का जो एक बड़ा चबच्चा जिसको बोलते हैं वो बना हुआ है, और ये पानी दोस्तों यहाँ से जा रहा है इस तरह से देखिए, और आगे किस तरफ जा रहा है कहाँ निकल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों वो देखिए सामने, और वहाँ पर ये पानी निकल रहा है दोस्तों, तो वहीं जाके मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये पानी निकल रहा है, और ये पानी जो है यहाँ पर निकलता हुआ दोस्तों, और इस तरफ से हो करके ये पानी ऐसे जो है यहाँ देखिए यहाँ से पाइप से निकलता हुआ, और इस तरफ दोस्तों ये खेतों में जा रहा है। ये देखिए दोस्तों सामने जो खेत है आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस खेत के अंदर ये पानी आज हमारे किसान भाई दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों जब मैं अपने किसान भाइयों को लेकर के वीडियो बनाता हूँ। तो मैं पहले सोच रहा था कि इस वीडियो को फिर बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा चलो बना ही देता हूं। तो यहां पर पंछी भी दोस्तों चहचहाट करते हुए, यहां पर देखिए हमारे बुगला जी बैठे हैं, और एक बुगला जी हमारे उस तरफ फिर रहे हैं खेतों में, ये अपना भोजन तलाश रहे हैं दोस्तों यहां पर। तो ये दोस्तों आधा किला है गेहूँ का, जहाँ पर आज हमारे किसान भाइयों की ड्यूटी लगी है पानी देने की। तो दोस्तों इसके अंदर पानी दिया जा रहा है जो काफ़ी अच्छी बात है, और जब से गेहूं लगाई गई है मुझे लगता है पहली मरतबा इसमें पानी छोड़ा जा रहा है, और ये गेहूं जो है मशीन के द्वारा लगाई गई है दोस्तों। तो ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों आज की, और यहाँ पर अभी पानी कोई ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचा है, केवल आधे खेत में ही पानी पहुँचा है। तो समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये अभी फसल भी नरम है और इसकी जड़ भी अभी नीचे तक मुझे लगता है कि पहुँची नहीं, तो आराम से पानी देना होगा, प्रेशर के साथ आप पानी नहीं दे सकते। तो ये आधा किला है दोस्तों, देखिए इस तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, इस सारे में आज हमारे किसान भाई जो हैं यहाँ पर पानी लगाएंगे। और ख़ास तौर से दोस्तों मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ आज फिर कि अपने किसान भाइयों से रिलेटेड दोस्तों वीडियो बनाऊँ और आप सभी को दिखाऊँ। और उस तरफ भी दोस्तों टटीरियाँ फिर रही हैं आगे की तरफ, तो जूम करके थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए टटीरी दिखेगी नहीं शायद आपको, काफ़ी छोटी होती है दोस्तों, ये दूर है और लाभ होती तो दिख जाती, थोड़ा नज़दीक होती। तो ये दोस्तों अपडेट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं अपने किसान भाइयों से रिलेटेड दोस्तों वीडियो लेकर के यहाँ पर आता रहता हूँ समय समय पर। और आलू की फसल के ऊपर भी मैंने दोस्तों दो वीडियो डाल दी है मेरे चैनल पर, जा करके आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों मैं अपने किसान भाइयों के साथ यहाँ पर जुड़ा रहता हूँ। और इस तरफ तो दोस्तों खेत में पानी दिया जा रहा है, ये लेटेस्ट अपडेट है। और एक खेत और है मेरे पीछे, इस तरफ देखिए यहाँ पर दोस्तों पानी दे दिया गया है, इस खेत के अंदर पानी दे दिया गया है, इस खेत के अंदर मुझे लगता है दोस्तों कल पानी दिया गया है। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गीला हो रहा है सारा खेत, पानी बहुत ज़्यादा दे दिया गया है दोस्तों, और सारा खेत गीला हो गया है। यहाँ पर तीन चार खेत हैं मेरे पीछे जिनके अंदर दोस्तों ये पानी दिया गया है, और मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो जो है ज़्यादा लंबी दोस्तों बन जाएगी यहाँ पर। और ये गेहूँ जो लगाई गई है दोस्तों, सारी ही गेहूँ यहाँ पर मशीनों के द्वारा लगाई गई है, अभी छोटी है इसलिए आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वीडियो भी मैं जूम करके नहीं बना रहा दोस्तों। ये देखिए इस तरफ खेत में भी पानी दे दिया गया है दोस्तों, और इसके अंदर भी आपको गेहूँ मिलेगी मशीनों के द्वारा लगाई गई। और इससे पीछे जो खेत हैं काफ़ी, वहाँ पर भी सारी जगह दोस्तों पानी दे दिया गया है। और इस तरफ मेरे सामने एक खेत है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी दोस्तों पानी दे दिया गया है। तो ये दोस्तों जो है एक तरह से यहाँ पर गेहूँ की फसल धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, और इसको समय समय पर दोस्तों हमारे किसान भाई जो है पानी देते रहेंगे, पानी ज़रूरी है। और ये पानी जो है ट्यूबवेल के साथ दिया जा रहा है दोस्तों, अभी बरसात वाला कोई यहाँ पर माहौल नहीं बन रहा कि बरसात का पानी है, नहीं, बरसात का पानी जीरी में ज़्यादा चाहिए होता है, यहाँ ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको ये अपडेट पसंद आएगी, बहुत जल्द एक नई वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का जो है दोस्तों ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। तो एक मरतबा दोस्तों फिर वही नारा यहाँ पर लगा लेते हैं जो हम हमेशा लगाते हैं, जय जवान।
जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।